हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे फार्मा 8 सेमेस्टर फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट की हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी। सेकेंड यूनिट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसको मैनेज भी करना होता है, क्योंकि मैनेज नहीं करेंगे तो वो इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं करवा पाएगा। मतलब इसकी सेल अच्छी नहीं होगी, उसकी मार्केटिंग लेवल अच्छा नहीं होगा, तो वो मतलब क्या मतलब रहेगा फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप करने का। तो इसमें मतलब यही स्टडी करेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे इसमें डेवलप किया, मतलब मैनेजमेंट किया जाता है डेवलपमेंट प्रोसेस में और मार्केटिंग में। और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इसके अंदर, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होगा कंपनी के अंदर, जो मैनेजर होगा वो ही इसको सब कुछ मेंटेन करेगा। तो उसकी क्या क्या अवेलेबिलिटी है जो हम इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पॉइंट हम पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली ए फंक्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर ये नहीं हो तो फिर जैसे ग्रोथ हो रही होगी वो इतनी नहीं होगी जितना हम चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क इन डायरेक्शन टू ब्रिंग ए प्रोडक्ट टू मार्केट। सेकेंड स्टेप में क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हैज टू बेसिक सब प्रोसेस। क्या प्रोसेस होगी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर? फर्स्ट हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेकंड इसकी मार्केटिंग। प्रोडक्ट मार्केटिंग दोनों को ही मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है। द मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग फील्ड। मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है, क्योंकि जो कंप्लीट प्रोसेस आ गई उसको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये छोटी मोटी चेन नहीं है, ये लॉन्ग चेन होती है। कि एक प्रोडक्ट उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रोड्यूस करना एंड देन उसको पब्लिक में रिप्रेजेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है। इट इंक्लूड इम्पोर्टेंट एरिया सच एज प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केट स्ट्रेटेजी, इनोवेशन, इनसाइट, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। द रोल ऑफ मैनेजर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज वाइटल एंड हैज शुड हैव द स्किल विच कैन रिकॉग्नाइज द गैप इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर बेटर मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्ट। मतलब एक मैनेजर किसी भी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट उसका है कंपनी का उसको वो प्रॉपरली मैनेज कर सके और प्रॉपरली उसको मार्केट में सेल कर सके कस्टमर्स को। तो प्रोडक्ट मैनेजर हैज फोकस ऑन कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करेगा हमारा प्रोडक्ट मैनेजर? तो कोर नॉलेज एरिया फर्स्ट है लीडरशिप एंड डिसीजन। जो मैनेजर होगा हमारा अपॉइंट किया हुआ उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रो क्रिएटर और मैनेजर शुड हैव बोथ लीडरशिप एंड रीजन, ये दोनों क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। सेकंड है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो लाइफ साइकिल है उसको भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा मैनेजर का। द प्रोडक्ट मैनेजर शुड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। क्योंकि लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे स्टडी किया होगा कि प्रोडक्ट की जो एंडिंग पोजीशन आती है अगर उस पे उसको मैनेज नहीं किया जाए तो वो फिर अपने जो सिचुएशन है उस पे लेवल पे आ जाएगा और डिक्रीज में, मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उस प्रोडक्ट से वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है। प्लान अबाउट प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च, तो इनमें दोनों में प्लान बनाया जाता है मैनेजर के द्वारा कि प्रोडक्ट के रिलेटेड और मार्केट रिसर्च करेंगे, तभी तो हम प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अच्छे और क्वालिटी के रूप में लेके जाएंगे, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। द प्रोडक्ट मैनेजर शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ मार्केट, उसको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए एंड इन्वेस्टिगेट द डाटा इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बेटर स्ट्रेटेजी अबाउट प्रोडक्ट। सेल्स एंड सपोर्ट, सेल्स एंड सपोर्ट में क्या आएगा, द प्रोडक्ट मैनेजर शुड बी स्मार्ट टू चूज द राइट सेल चैनल। मतलब कि उसको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा चैनल, अच्छा सोर्स चुन सके जिससे उस प्रोडक्ट को सेल किया जा सके। द सेल इज ए प्लेयर, की प्लेयर इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि अगर सेल अच्छी हो रही है किसी प्रोडक्ट की तो उस कंपनी के ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता, ना तो कंपटीटर रोक सकता। क्योंकि सेल कब होती है आप सभी जानते हैं, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो, तो
दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3rd ऑफ फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और दोस्तों आप तो स्टडी करके निकल जाओगे, तो अपने जूनियर फ्रेंड्स को भी बताना चैनल के बारे में, उनके लिए भी कुछ अच्छा कंटेंट हम लेके आएंगे अच्छे से। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर आप अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, हम इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि एक टीचर के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता होगा। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोला, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं होता है, वो कमेंट करने आते हैं सिर्फ, तो उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो अच्छे से अपने स्टडी करें, एग्जाम दें और अपना जो भी आगे टारगेट है वो कंप्लीट करें। तो धन्यवाद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।